कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे
प्रेमानंदे। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनो इक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग का सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश किया था। विवस्वान ने इसकी शिक्षा मानव जाति के जन्मदाता मनु को दी। मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कहा, लोग सोचते हैं कृष्ण बाद में आए, राम पहले आए। इक्ष्वाकु जो हैं वो राम के भी पूर्वज थे। भगवान ने सूर्यदेव को उपदेश दिया, कृष्ण ने। सूर्यदेव कब से? जब से सृष्टि। तो कृष्ण तो आदि पुरुष हैं, उन्होंने सूर्यदेव को यही गीता का उपदेश, डिफरेंट नहीं, जो आपको मिल रहा है वही सेम। मैंने इस अविनाशी योग का, ये अविनाशी योग है, अभी तक चला आ रहा है। सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश किया था, विवस्वान ने इसकी शिक्षा मानव जाति के जन्मदाता मनु को दी, मनु ने इक्ष्वाकु को दी। इस तरह से परंपरा से, राजर्षियों की परंपरा से ये ज्ञान आया। यह है भगवद गीता का इतिहास, हिस्ट्री। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। इस प्रकार शिष्य परंपरा के द्वारा यह परम विज्ञान, ये ज्ञान नहीं है, विज्ञान है। ज्ञान तो खाली सुन लिया, लिख दिया, पास हो गए, भूल गए, ये तो करते आ रहे हैं आज तक। सुना, एग्जाम दिया, हाँ भाई हो गया, अब भूल गए। लेकिन विज्ञान ये प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो इस प्रकार यह शिष्य परंपरा के द्वारा यह परम विज्ञान, और विज्ञान में भी सबसे टॉप लेवल का विज्ञान है परम विज्ञान, और राजर्षियों ने इस विधि से जाना, प्रॉपर सोर्स से नॉलेज ली। गुरु शिष्य परंपरा, किंतु काल क्रम से वह परंपरा खंडित हो गई। परंपरा कैसे खंडित हो जाती है? योगो नष्ट है, योग नष्ट कैसे हो जाता है? जब लोग मनमानी व्याख्या करने लगते हैं, स्वार्थ प्रेरित व्याख्या, तो ये योग नष्ट हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि काल क्रम से वह परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान अपने यथार्थ रूप में लुप्त प्राय हो गया, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रह गया, अपने यथार्थ रूप में लुप्त प्राय हो गया। यानी व्याख्याएं बदल गई, मनमानी व्याख्या करने लग गए। अभी भी करते हैं लोग। गांधी जी गीता के माध्यम से अहिंसा सिद्ध करते हैं। अब अहिंसा कहाँ है? भगवान तो कह रहे हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ये तुच्छ हृदय की दुर्बलता को छोड़ो कि इसको मारूंगा वो मर जाएगा तो दुख होगा। उठो, धनुरुद्यम में पांडव, धनुष उठाओ, लड़ो, इसमें अहिंसा कहाँ है? मनमानी व्याख्या, ऐसे ही योग नष्ट होता है।
ठीक है आप बड़े पॉलिटिशियन हैं, सारा भारत आपके कहने पर चलता है, इसका मतलब थोड़ी कि आप गीता की गलत व्याख्या बैठ के करोगे, ये गलत बात है। तो योगो नष्ट है, योग नष्ट कर दिया। तो इस तरह से एक भी मूल व्याख्या नहीं रह गई जब भगवान ने अर्जुन को दिया, उस समय ये कंडीशन थी। उसके बाद तो खैर हम लोग को ओरिजिनल फॉर्म में मिल रहा है यथारूप, देखा है ना भगवद गीता यथारूप। सकालेन, काल में, काल के गाल में सब समा जाता है। तो अब भगवान की ड्यूटी है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये नॉलेज रहे हमेशा, तभी तो जीव का कल्याण होगा। तब ये जब योग नष्ट हो गया तो भगवान ने अर्जुन को बताया, कह गए स एवायम मया ते अद्य, तीसरा श्लोक, योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम, वही प्राचीन योग मैंने आज तेरे लिए कहा। हरे कृष्ण, वही प्राचीन योग, कुछ नया नहीं बता रहा हूं, जो मैंने सूर्यदेव को बताया था वही तुम लोग को बता रहा हूं, अब वही अभी हम बता रहे हैं आप लोग को। स एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन, क्यों? क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। क्यों बता रहे हैं भगवान अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन भक्त है, और ये जो है ये भक्तों के सुनने की चीज है। भक्त माने जो श्रद्धा रखते हैं और जो सुनने के बाद करने की इच्छा रखते हैं, सुनने समझें मनन करें और आचरण करें। सुन लिया, समझ भी लिया, फिर घर जा कर के या दोबारा कभी उसको रिवाइज ही ना करें। रिवाइज करना उसको मनन करना कहते हैं, सुनना फिर समझना फिर मनन करना फिर आचरण करना, ये चार काम करने पड़ते हैं। तो आज ये योग नष्ट हो गया था, लेकिन मैं तेरे लिए वही पुरातन योग फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। पीछे भगवान ने कहा कि ये अविनाशी योग है, लेकिन नष्ट हो गया ये अविनाशी। कैसे नष्ट हो गया? अविनाशी को तो नष्ट होना ही नहीं चाहिए। गलत व्याख्या क्यों हुई? अविनाशी को तो नष्ट नहीं होना। ठीक है, मान लो कि गलत व्याख्या हो गई तो भगवान ने आकर के फिर से एस्टेब्लिश कर दिया ना, तो नष्ट कहाँ हुआ? भगवान ने आके फिर उसको रिफ्रेश कर दिया। स एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्त, जो मैंने सूर्यदेव को दिया था वही आज तुमको अर्जुन फिर से दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम्हारा मेरे साथ रिलेशन भी है, सखा भक्तोसि में सखा चेति। और रहस्यम ही एतद उत्तमम, और गीता क्या है? उत्तम रहस्य, टॉप सीक्रेट। किस कौन कह रहा है टॉप सीक्रेट? भगवान कह रहे हैं ये टॉप सीक्रेट है। तो टॉप सीक्रेट सबकी समझ में आ जाएगा, इसीलिए संख्या कम होती जाती है ना। ये सबके लिए थोड़ी है, भगवान ने खुद ही कह दिया गीता में 7 चैप्टर में कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में से कश्चित यतति सिद्धये, कोई कोई होता है जो सिद्धि के लिए प्रयास करता है। और यततां अपि सिद्धानां, और यत्न करने वाले सब सिद्ध हो जाएंगे क्या? सब सिद्ध नहीं होते, कुछ ही सिद्ध होते हैं, हजारों में से कोई एक सिद्ध हो पाता है। फिर उनमें से भी जो सिद्ध लोग हैं, यततां अपि सिद्धानां कश्चित माम वेत्ति तत्त्वतः, मुझे तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, मतलब बहुत रेयर है कृष्ण को जान पाना।
तो बीच में सब फिल्टर हो जाते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा जाता है। भगवान ने जो बातें कही हैं वो विज्ञान है, विज्ञान माने प्रैक्टिकली आपको सब दिखाई पड़ेगा। तो इसमें निराश होने की बात नहीं है कि हम अकेले रह गए, ये तो होना ही था, ये तो गीता में लिखा ही है। तो अब भगवान ने कहा कि मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया और अर्जुन तो कृष्ण का फ्रेंड है, दोनों इक्वल एज के हैं। तो अर्जुन के दिमाग में क्वेश्चन रेज हो गया, बोले अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, विवस्वान का जन्म तो बहुत पहले हुआ था जब सृष्टि हुई थी तब, और आपका जन्म तो मेरे साथ ही हो रहा है। कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, मैं ये कैसे जानूं कि आप ही ने पहले उसको ज्ञान दिया था सूर्यदेव को। अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान का जन्म आपसे अति पूर्व हुआ है, इसलिए मैं यह कैसे समझूं कि पहले आपने ही सूर्य को इस योग का उपदेश किया था। तब भगवान ने कहा बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवच अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके, पहला जन्म थोड़ी है। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव, और तुम्हारा जन्म भी बहुत हो चुके। तानि अहम वेद सर्वाणि, मैं उन सारे जन्मों को जानता हूँ, अपने भी और तुम्हारे भी। न त्वम वेत्थ, तुम नहीं जानते। परम तप, तुम परम तप हो, अर्थात शत्रुओं को ताप देने में एक्सपर्ट हो। तो शत्रु तुमको देख के कांप उठते हैं, एक करोड़ों लोग इकट्ठा हुए हैं खाली तुमको टारगेट बना के बैठे हैं, एक जने को। अर्जुन मर जाए तो बस युद्ध जीत गए कौरव, फिर तो चक्रव्यूह की रचना करो और बस खत्म, क्योंकि कोई नहीं निकाल पाया चक्रव्यूह से, केवल अर्जुन जानता था बस। तो अर्जुन जब तक है तब तक तो कोई चक्रव्यूह बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो निकल जाएगा। और जब अर्जुन कहीं और बिजी करके और उसके बाद चक्रव्यूह बनाया गया तब अभिमन्यु मरा। बड़ी मुश्किल से तो एक महारथी मार पाए। तो बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप, मैं सारे जन्म कर्म सब जानता हूँ, हृदय में बैठा हूँ सबके, और सब स्मरण है मुझे, और मैं कभी भूलता नहीं हूँ। मैं ही तो सबको स्मृति देता हूँ और विस्मृति भी देता हूँ और ज्ञान भी देता हूँ, तो मैं कैसे भूल जाऊँगा। और जीव जो है जैसे ही बॉडी चेंज करता है दूसरी बॉडी में जाता है भूल जाता है, पिछले जन्म का याद ही नहीं है, आगे कहाँ जाएंगे पता नहीं है, लेकिन कृष्ण को सब पता है। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अब जैसे हमारा जन्म होता है सतो रजो तमो प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत, तो क्या आपका भी ऐसे होता है। कृष्ण का नहीं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति के द्वारा अपने को प्रकट करता हूँ। मैं हूँ सब जगह, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, कण कण में भगवान है लेकिन प्रकट नहीं है कण कण में। तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, संभवामि आत्ममाया, अपनी योग माया से। और कब प्रकट करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होती है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म का उत्थान होता है, अधर्म बहुत बढ़ जाता है। तदा आत्मानम सृजामि अहम, तब मैं अपने को अपना सृजन करता हूँ। अपना सृजन कोई कर सकता है क्या? यहाँ सृजन करने का मतलब प्रकट करना है, हैं सब जगह प्रकट कर देते, सृजामि अहम। तो आके करते क्या है आप? परित्राणाय साधूनां, भक्तों को आनंद प्रदान करता हूँ। बहुत हमको दर्शन के लिए तड़पते हैं वो लोग, मैं आता हूँ
उनको दर्शन दे करके गदगद कर देता हूँ, उनके साथ लीलाएं करता हूँ। परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार कर देता हूँ। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करता हूँ। संभवाम युगे युगे, युग युग में मुझे आना पड़ता है, क्योंकि बार बार यही होता है, जैसे फोन बार बार रिचार्ज करना पड़ता है, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें रिफ्रेश रेट होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से रिफ्रेश करना पड़ता है मेमोरी को, तभी वो बनी रहती है, अदरवाइज जो भी कुछ डेटा मेमोरी में डाला है सब चला जाएगा, रिफ्रेश होता रहता है। ऐसे ही भगवान इस भगवद गीता का ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए भगवान को बार बार युग युग में अवतार लेकर के आना पड़ता है, और इसकी रक्षा करने के लिए कि इसका जो है गलत एक्सप्लेनेशन लोगों ने कर दिया है, अब मैं चलूं फिर से सही एक्सप्लेनेशन कर दूं। असंभवामी युगे युगे, हर युग में भगवान को इस गीता की रक्षा के लिए आना होता है। तो धर्म की स्थापना, क्या धर्म है जीव का? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेत्ति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म ऑर्डिनरी नहीं है, हमारा जन्म तो बाध्य होकर के होता है प्रकृति के नियमों से, कर्मानुसार। भगवान का कोई कर्मानुसार थोड़ी जन्म हो रहा है, भगवान की तो इच्छा अनुसार हो रहा है। मर्जी आई जन्म लिया मछली के रूप में, मर्जी आई शुकर के रूप में, मर्जी आई तो नरसिंह के रूप में। वैसा कोई नरसिंह कोई जीव होता ही नहीं है, आधा शेर और आधा मनुष्य, जैसा मन करता है वैसा शरीर धारण करके आते हैं, जैसी जरूरत होती है। अब भक्त ने आशीर्वाद उसको दे दिया है वरदान हिरण्यकशिपु को कि तुमको वही मारेगा, तुमको न मनुष्य मार पाएगा न पशु मार पाएगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब मनुष्य और पशु के बीच का कोई शरीर लेना पड़ेगा, तो आधा मनुष्य आधा पशु। वो तो असुर लोग सोच भी नहीं पाते हैं, नहीं कल्पना के परे होता, सोचते हम हमारे हो गए, हमने तो ऐसा वरदान मांग लिया, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। असुर अपने आप को भगवान से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, भगवान की परवाह नहीं करते, क्या भगवद गीता पढ़ने की ज़रूरत है, ये असुर की पहचान। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म उनकी दिव्यता को समझ लेता है, कर्म की दिव्यता। भगवान ने 16,108 शादी कर ली, बड़े लस्ती थे, बड़ा काम था उनके अंदर, 16,108 शादी करने की क्या जरूरत थी, नहीं सोचो तो सही क्यों की। 16,100 लड़कियों को, राजकुमारियों को भौमासुर नाम का एक असुर उठा करके ले गया, अपने यहाँ किले में कैद कर दिया, यज्ञ में उनकी बलि चढ़ाने का मूड था उसका, ये तो हाल था उसका। तो अब भगवान ने भौमासुर का वध किया, तो इन लड़कियों ने जब भगवान को देखा तो रूप पर ऐसा मुग्ध हो गई, रूप पर गुणों पर, कि बस मन ही मन जो भी इष्ट था उनका उनसे प्रार्थना करने लगी कि हमको तो बस यही पति के रूप में चाहिए। आप 16,100 इंडिविजुअली सब केवल उन्हीं के लिए पति के, कृष्ण को जब कोई देख लेगा तो किसी और को थोड़ी पति बनाएगा, तो सब उन्हीं को पति बनाना चाहती है। तो ये क्षमता तो केवल कृष्ण में ही है कि कृष्ण भी अपने 16,108 रूप बनाए और 16,108 महलों में, और उनके माता पिता भी 16,100 रूप हो गए, क्योंकि हर शादी में माता पिता भी तो चाहिए, कन्यादान करेंगे वो ये करेंगे वो करेंगे, न केवल खुद बल्कि लड़कियों के भी माता पिता सब, वो भी सब डबल डबल होकर के, ये स्थिति। तो ये है दिव्यता, भगवान शरणागत की रक्षा कर रहे हैं, भगवान लस्टी नहीं है, शरणागत वत्सल हैं। तो ये दिव्यता समझनी चाहिए, सिर्फ
सुपरफिशियली देखेंगे ऊपर ऊपर से, और उसके बाद हम गाना शुरू कर देंगे कि भगवान ऐसे भगवान वैसे, तो फिर तो हमने क्या समझा भगवान को, कुछ भी नहीं समझा। यही लोग नहीं समझते हैं और अपने धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है, कोई क्रिश्चियन कोई मुस्लिम कुछ भी समझा देता है और उसके बाद धर्म परिवर्तन करके और उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। धर्म परिवर्तन क्या, उसने अपना धर्म समझा ही नहीं तो परिवर्तन क्या, इसको धर्म परिवर्तन कहते हैं। अगर धर्म अपना समझ लिया तो कभी परिवर्तन करता ही नहीं है। अब वो तो धर्म है ही नहीं, वो तो एक टाइप ऑफ फेथ है। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्व से उसको समझना पड़ेगा जन्म कैसा है भगवान का। देवकी और वसुदेव तो जेल में थे, अब भगवान का जन्म कैसे हो गया, 8 साल से वो जेल में पड़े हुए हैं। तो भगवान जो है सबसे पहले वसुदेव के हृदय में आए, वसुदेव का हृदय आनंद से भर गया, भगवान हृदय में आ जाएंगे तो क्या होगा। भगवान विष्णु रूप में तो सब सबके हृदय में है, लेकिन अब कृष्ण रूप में हृदय में आ गए, बाल रूप में, उनका रूप देख देख करके गदगद। अब उन्होंने देवकी के साथ में अपने आनंद को शेयर किया तो देवकी के हृदय में भी भगवान चले गए। इस तरीके से वाणी के द्वारा कृष्ण देवकी के हृदय में पहुँचे। फिर भगवान का देवकी के गर्भ से जन्म लेने का मन था तो भगवान देवकी के गर्भ में उतर गए, रहे हृदय में ही, देवकी को फीलिंग होती रही कि हाँ गर्भ में आ गए भगवान, और गर्भ बढ़ता भी गया, ये खाली फीलिंग हुई। तो दिव्य है भगवान का, जैसे स्त्री पुरुष के संयोग से बालक जन्म लेता है वैसे कृष्ण का जन्म नहीं है, सब दिव्यता है। तो यही दिव्यता भगवान कह रहे हैं, मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जो तत्व से समझ लेगा फिर उसको इस संसार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा, वो मेरे धाम में आ जाएगा। संसार तो दुखालय है, दुखालय में आना कौन चाहता है, कोई नहीं आना चाहेगा। तो मेरे धाम कैसा है, वैकुंठ है, वहाँ कोई कुंठा चिंता भी नहीं है, तो फिर वहाँ हम तो हम चाहते हैं ना हम चिंता मुक्त रहें हमेशा हमेशा, तो वो तो वैकुंठ में ही हो पाएगा, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तो फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ ओल्ड एज, फियर ऑफ डिजीज़, ये सब लगा पड़ा है, देखा ही अभी 2 साल तक कोरोना, फियर ऑफ डिजीज़ सब झेल के आए अभी, भय 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 लगा पड़ा है। तो क्या कर्तव्य निर्धारित हुआ कि हमको भगवान के दिव्य जन्म और कर्म समझने हैं, क्योंकि इस धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। तो हमको समझना तो चाहिए कि ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है कि भगवान को अवतार ले लेकर के आना पड़ रहा है बारंबार, और कोई जरा सी गलत व्याख्या कर दे तो भगवान आ रहे हैं उसको करेक्ट करने के लिए, मामूली बात है क्या। और ये बुक फाइनली सिखाती क्या है, सरेंडरशिप, शरणागति। फाइनली भगवान ने ये कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्म छोड़ो, ये जो तुम धर्म समझ रहे हो ये मेरी ड्यूटी है, वो मेरी ड्यूटी है, ये पितामह हैं, ये गुरुजी हैं, ये भाई हैं, ये साले हैं, ये चाचे हैं, ये मामा लोग हैं, इनसे हम कैसे युद्ध करेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ो ये सब धर्म, माम एकम शरण, एकमात्र तुम मेरी शरण में आ जाओ। अहम तो असर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मा शुचः तुम चिंता क्यों कर रहे हो, क्योंकि मान लो अर्जुन सोचे कि नहीं इनके प्रति मेरा धर्म है, इन पे बाण चलाएंगे तो पाप लगेगा पितामह पर, इन्होंने क्या किया है, जो गड़बड़ सब की है दुर्योधन एंड कंपनी ने की है, तो हम पितामह को क्यों मारें, बात सही है,
पाप लगेगा, क्योंकि वो प्यार करते हैं, ये भी प्यार करते हैं, ऐसे कैसे मार दें, हमारे ग्रैंडफादर हैं। लेकिन अब चूंकि सपोर्ट उसको कर रहे हैं ना, इसलिए गड़बड़ है। तो कृष्ण ने ऑर्डर कर दिया कि युद्ध करो। तो शरणागति का मतलब क्या है? शरणागति माने जो भगवान कह रहे हैं वो मानना, और कुछ सोच विचार नहीं। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने इस महाभारत के युद्ध में ये पार्टिसिपेट किया, और अर्जुन को सारा क्रेडिट देना चाह रहे हैं। अर्जुन पीछे हटने लग गया तो भगवान ने भगवद गीता प्रकट कर दी और फिर उससे कहा कि तुम सरेंडर करो, क्योंकि मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको याद रखिएगा सदा। मेरे लिए किया गया पाप वो धर्म कहलाता है, पाप भी धर्म कहलाता है, पुण्य तो धर्म है ही है, मेरे लिए किया है ना। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, केवल धर्म परित्यज्य के लिए थोड़ी कह रहे हैं, आगे भी तो कह रहे हैं माम एकम शरणम ब्रज। अब सेंटेंस कंप्लीट हुआ ना, सर्वधर्मान परित्यज्य केवल होता तो पाप लग जाता, पक्की बात थी जो अर्जुन कह रहा था सही है। लेकिन माम एकम शरणम ब्रज तो फिर पाप कहाँ रहा? हम तो असर पाप विमोक्ष है। ये जब एश्योरेंस दिया भगवान ने, तब अर्जुन ने गांडी उठाया, इसके पहले नहीं उठा रहा था। अच्छा, आप मेरे पाप से भर लेंगे, आपके लिए किया गया पाप भी धर्म है, अच्छा ठीक करेंगे। ऋष्य वचनम तव, कमिटमेंट साइन कर दिया। तो शरणागति सिखाती है भगवद गीता, भगवान की शरणागति। शरणागति से क्या फायदा, हमें क्या फायदा होगा? हमें तीनों काल का लाभ मिलेगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में हमने जो पाप किए, भगवान ने क्या कहा, मेरी शरण में आओगे तो क्या करूंगा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे सारे पापों को मोक्षयिष्यामि, मैं समाप्त कर दूंगा। दुख किस लिए आता है? पाप का फल है। तो जब पाप का फल है तो पाप ही नहीं रहेगा तो फल कहां से आएगा? पाप तो बीज है ना दुख का। भगवान कह रहे हैं हम तो असर पापे पे मुक्त जाने, यानी पास्ट में तुमने जो भी कुछ गड़बड़ की है वो सब मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा, प्रेजेंट में क्या करेंगे आप? प्रेजेंट में तुम मेरे शरणागत होने का मतलब है कि मेरा चिंतन करो, मैं क्या कह रहा हूं बस इसी को ध्यान दो। अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर रहे हो ना तुम, तो योग क्षेमम वहाम्य हम, मैं तुम्हारा योग क्षेम वहन करूंगा। यानी जो चीज तुम्हारे पास कमी है उसको मैं तुमको प्रोवाइड करूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसको मैं प्रोटेक्शन दूंगा, क्षेम। तो प्रेजेंट में ये बेनिफिट हो रहा है, योगक्षेम वहन कर रहे हैं। पास्ट में क्या बेनिफिट हो गया? पाप खत्म कर दिए। और फ्यूचर में क्या करने वाले हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्तिते, जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया को पार कर जाता है। इसका मतलब कि इन फ्यूचर तुमको माया कभी टच नहीं करेगी। एक बार जिसने मेरे सरेंडर कर दिया उसको माया छू नहीं सकती। लो, अब इन्फेक्शन का खतरा भी खत्म हो गया, वैक्सीन लगा ली बस इन्फेक्शन कभी नहीं होगा। ये शरणागति सबसे बड़ी वैक्सीन है, होगा ही नहीं माया का इन्फेक्शन, होगा ही नहीं। और क्या चाहिए आपको? कि इन फ्यूचर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, प्रेजेंट में योगक्षेम वहन होगा, पास्ट में जितने पाप किए थे वो भगवान काट देंगे। व्हाट एल्स यू वांट? ये कृष्ण के अलावा और कोई दे रहा है ये फैसिलिटीज? लिख के दे दिया भगवान ने भगवद गीता में।
तो हमें करना क्या है? वो यहाँ बता दिया, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। लग जाओ आज ही से भगवान के जन्म और कर्म को समझने में। गीता उठाओ, भागवत उठाओ, पढ़ो, समझो, सत्संग करो, लेकिन सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए, नहीं तो वही योग नष्ट है। वो नष्ट किया हुआ योग, भ्रांत सब व्याख्याएं, उन सबको पढ़ पढ़ करके और अपनी बुद्धि नष्ट करेंगे हम, उससे क्या फायदा होगा? इससे तो ना पढ़ वो अच्छा है। सोर्स सही होना चाहिए। तो भगवान के जन्म की दिव्यता को जानना है, इससे क्या होगा? परमार्थ लाभ होगा। ये तीन लाभ तो मैंने बताए, यहाँ के मटेरियल वर्ल्ड के, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में पाप किए तो क्या गोलोक में थोड़े किए थे, यहीं किए। प्रेजेंट में योगक्षेम वहन हो रहा है, यहीं हो रहा है। और फ्यूचर में माया टच नहीं करेगी, तो माया गोलोक में थोड़ी होती है जो टच करेगी किसी को, यहाँ पर ही होती है। यहाँ पर आप रहते हुए भी जीवन मुक्त रहोगे, आपको टच नहीं करेगी माया में ताम तरंती थे। और जब भगवान के जन्म कर्म को जान जाओगे, अब माया आपको टच नहीं कर रही, योगक्षेम आपका वहन हो रहा है, पाप आपके कट चुके, दुख आपको हो नहीं रहा है, अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए। अब आप बैठो आराम से भगवान के जन्म कर्म को समझो, फ्री हो गए बिल्कुल हर तरह से। और जब भगवान के दिव्य जन्म कर्म को समझ गए, तो क्या होने वाला है? मामेति, भगवान के धाम चले जाओ। परमार्थ भी सुधर गया आपका, अगला जन्म भी सुधर गया। अगले जन्म में कहाँ जाना है? भगवान के धाम जाना है। पाप गया, योगक्षेम वहन हुआ, इन्फेक्शन खत्म हुआ, अगले जन्म भगवान के धाम में। और उसके बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, मेरे धाम से तो कोई लौटता ही नहीं है, न मैं किसी को जाने देता हूँ, न कोई लौटने की इच्छा ही करता है, क्योंकि वहां तो आनंद ही आनंद है। क्यों ना समझे हम गीता? क्यों छोड़ दें इतना इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए भगवान आ रहे हैं बारंबार, अपने भक्तों को भेज रहे हैं, जाओ एक्सप्लेन कर दो। इतने सारे लाभों से हम वंचित हो जाएं केवल क्षणिक सुख के लिए, चार पैसों के लिए। ठीक है जॉब कर रहे हैं, ठीक है शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ करना है करो, उसके लिए कोई मना नहीं है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन न आपनोति किल्बिषम, जो शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है उसको पाप नहीं लगता, लेकिन अब उससे ज्यादा अपनी डिजायर्स बनाने लग जाओ, कामनाएं करने लग जाओ, वो गड़बड़ है। वो टाइम बचा करके भगवान के जन्म कर्म को समझने में लगाना चाहिए, ये माई ड्यूटी। आप भगवान के जन्म कर्म को जान गए तो हम भगवान के धाम पहुंच गए, चलो मेरी प्रॉब्लम खत्म हुई, सदा सदा के लिए खत्म हो गई। लेकिन इससे भगवान को सुख क्या मिला? भगवान को सुखी करने के लिए क्या करें? यज्ञ ही है संकीर्तन प्राय है यजंत ही सुमेधस। तो जो सुमेधा वाले हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग जो हैं, वो क्या करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन यज्ञ करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए शिव जी क्या करते रहते हैं, कैलाश पे बैठ के भगवान का नाम जपते रहते हैं। नारद जी क्या करते रहते हैं, वीणा पे राधा रमण का नाम जपते रहते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते रहते हैं, ब्रह्मलोक में बैठ करके वेद पढ़ते रहते हैं, माला लेकर के जप करते रहते हैं। ये सब लोग संकीर्तन में लगे हुए लोग हैं, ये सब इंटेलिजेंट लोग हैं। तो ये बड़े बड़े पर्सनालिटीज, ये सब जो कार्य कर रहे हैं, हम क्यों ना करें? वो सेम वही नाम हम भी कर सकते हैं। ऐ नाम नारद जपे वीणा यंत्र रे, ऐ नाम शिव जपे पंचमुख रे,
यही नाम ब्रह्मा जपे चतुर्मुख रे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। हम लोग को मिल गई है आसानी से, लेकिन है नहीं ऑर्डिनरी। भगवान को खुश करने का तरीका, अब जैसे आपको कोई खुश करना चाहे तो क्या तरीका है जी, बताइए क्या सेवा करें आपकी, है ना। जो बार बार आए और आप जो काम उसको बताओ फटाफट करके बहुत अच्छे ढंग से, आप फुल सेटिस्फाइड खुश हो जाओ उससे, और उसके बाद फिर पूछे बताइए अब क्या करें, वो व्यक्ति अच्छा लगता है ना। आदमी की सेवाएं ही याद रहती हैं, है ना। इसने हमारी ऑड कंडीशंस में मेरी हेल्प की, वो सेवा की जो, वो याद रहती है। और क्या याद रहता है, वो टिप टाप होके घूमता था, बड़ा सुंदर दिखता था, बहुत स्मार्ट था, बहुत पढ़ने में तेज था, लेकिन एग्जाम में जरा सा भी कुछ बताया नहीं उसने। वो अपनी कॉपी छुपाए बैठा था। जो हमारी हेल्प करता है, हमारी सेवा करता है, हमको वो व्यक्ति प्रिय होता है। ऐसे ही भगवान भी है। ये नेचर कहाँ से आया, भगवान से ही तो आया, हम उन्हीं के अंश हैं। तो जो उनमें जो नेचर है वो हमारे अंदर भी आएगा। उनके जो सेवक हैं वो भी उनको इतने प्रिय हैं कि भगवान खुद उनके सेवक बन जाते हैं, तो पराधीन हो जाते हैं, बंध जाते हैं। ये देखिए इतना यशोदा से खुश हैं कि यशोदा चाहे रस्सी से बांध ले, चाहे डांटे, चाहे छड़ी दिखाए, कुछ भी करे, यशोदा छोड़ के नहीं जाना है। ये है और सुप्रीम पर्सनैलिटी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके पेट में समाये हुए हैं। वो एक रिबन से चोटी में से रस्सी निकाल के बांध देती है ऊपर से, और बंधे खड़े हैं, खोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों? जीनी जीनी प्रेम की डोरी मो पे तोड़ी न खोली जाए, न तोड़ पाएंगे न खोल पाएंगे, क्योंकि प्रेम से बांधा गया। भक्ति बद्धम, भक्ति से बांधे हुए हैं। तो इतनी पावरफुल चीज है ये भक्ति, सेवा। संकीर्तन का मतलब है कि हम सेवा मांग रहे हैं। हरे कृष्ण और राम तीन वर्ड्स हैं इसके अंदर, उसी का रिपीटिशन है। तो हरे का मतलब राधा रानी, हे राधे मुझे सेवा में लगा लो। कृष्ण माने तो कृष्ण, और राम माने बलराम। इन तीनों से हम सेवा मांग रहे हैं। ये तीनों कहाँ रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन में प्रेम के अलावा कुछ होता ही नहीं है, ऐश्वर्य है ही नहीं वहाँ पे। ऐश्वर्य होता तो इस तरह से बंधे खड़े होते, वैकुंठ में कोई बांध के दिखा दे विष्णु को इस तरह से। वैकुंठ में भी सबसे ऊंचा लोक है गोलोक वृंदावन कृष्ण का, वहाँ पर ऐसी लीलाएं होती हैं। ये वैकुंठ में भी नहीं चलती हैं लीलाएं। है किसी की हिम्मत वैकुंठ में बांधने? वैकुंठ में रहने वाले भक्तों में अर्जुन और भीष्म पितामह इस तरह के लोग हैं, तो भीष्म ने कभी बांध दिया इस तरह से? नहीं। तो सेवा मांगना, प्रेम से करना, ऐसे ही खुश किया जा सकता है भगवान को, और कोई उपाय नहीं है। अब हम क्यों सेवा मांगे? क्योंकि मेरा स्वरूप ही वही है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण, है नित्य दास कृष्ण के, हम नित्य दास हैं। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधम। हम यहाँ भवसागर में गिर गए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने को स्वामी समझने लगे, इस चक्कर में गिर गए। और सेवक मान रहे होते तो आपके धाम में वैकुंठ में होते, वहाँ कोई कुंठा चिंता नहीं होती, लेकिन जैसे ही स्वामी माना पतन हो गया, गिर गए। तो मेरा स्वरूप ही है सेवक का, बिना सेवा के हम रह ही नहीं सकते। लेकिन दुनिया की सेवा करने से आनंद नहीं आता। खूब की अनंत जन्मों से वही तो करते आ रहे हैं, लेकिन हृदय में आनंद, आनंद माने जो नित्य हो, जो अनंत मात्रा का हो, और जो नित्य वर्धमान हो, बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, वो कहीं नहीं मिला। न रसगुल्ले में मिला, न पैसे में मिला, न पोस्ट में मिला, किसी चीज में नहीं मिला।
पोस्ट भी ऊंची किसी को मिल जाती है तो थोड़े दिन तो उसको लगता है कि हम ऊंची पोस्ट पे आ गए, फिर उसका भी चला जाता है, फिर अब उससे ऊंची पोस्ट चाहिए, क्योंकि जो डिज़ायर पूरी होगी उससे और हायर डिज़ायर करेगा और हायर करेगा, कोई लिमिट ही नहीं है। फिर इंद्र का पद चाहेगा, फिर ब्रह्मा का पद चाहेगा, कोई लिमिट नहीं डिज़ायर्स की। तो मेरा स्वरूप है दास का, इसलिए हम संकीर्तन करके उनसे सेवा मांगेंगे, ठीक है, और इसी में वो खुश होते हैं। आए वही वही सिखाने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, भक्तों के प्राण है चैतन्य महाप्रभु, सिखाते क्या है शरणागति। आपने व्यवहारे प्रभु जी मेरे सिखाए, खुद व्यवहार करके खुद महामंत्र कीर्तन कर करके उन्होंने सब कुछ सिखाया। दिन में भागवत पढ़ते हैं और रात में कहते हैं कि रात हम लोग वेस्ट क्यों करते हैं, रात में हम लोग कीर्तन किया करेंगे, पूरा दिन भागवत रात को कीर्तन, सोने का कोई नामो निशान नहीं, सोना क्या है, ये तो हम लोगों ने आदत डाल रखी 8-8 घंटे सोने की। तो स्वरूप हमारा है सेवक का, लेकिन उस सेवक के स्वरूप से हमारा पतन हो जाता है जब हम कामनाएं करते हैं, मेटीरियल डिजायर्स। कामनाएं तो रहेंगी, मन है तो कामना करेगा, लेकिन भगवान की सेवा की कामना करे वो स्पिरिचुअल है, भक्तों की सेवा की कामना करे वो स्पिरिचुअल है, लेकिन हम डिजायर करते हैं अपने सुख की, देह के सुख की, बस ये गड़बड़ हो जाती है। तो सारी समस्याओं की जड़ कहाँ पे है, मेटीरियल डिजायर्स, बस। कामनाओं से क्या हानि हो जाती है, क्या हानि होती है नंदा, कामना करेंगे तो लॉस क्या है, ठीक है कर रहे हैं, हम एम्बिशियस आदमी हैं, एम्बिशियस होना सिखाया जाता है, पेरेंट्स सिखाते हैं, टीचर्स सिखाते हैं, फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं तो एम्बिशियसनेस की बातें करते हैं, अरे उसकी जॉब देखो वहाँ लग गई, उसकी वहाँ लग गई, उसकी वहाँ लग गई, बस इसी यही सब बातें करते रहते हैं, उसकी इतनी सैलरी हो गई, उसका ये हो गया, यही एम्बिशन कामनाएं दूसरे की बढ़ती हैं, फिर इस तरह की बातें करो तो कामनाएं बढ़ती हैं। कामनाओं से क्या प्रॉब्लम है, अगर पूरी हो गई तो ग्रीड आएगी और अगर नहीं हुई तो फिर क्रोध आएगा, और ये लोभ यानी ग्रीड और क्रोध एंगर, ये दोनों क्यों आएंगे, क्योंकि हृत ज्ञाना कामैस तैस तैर हृत ज्ञाना, ज्ञान का हरण कर लेती हैं कामनाएं, और फिर क्या करता है वो कृष्ण की शरण छोड़ करके वो कहाँ चला जाता है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, और लोग जो उसकी कामनाएं पूरी कर सकते हैं वहां चला जाता है, सोचता है कृष्ण तो कामनाएं पूरी कर नहीं रहे, ये तो कहते हैं सब कामनाएं छोड़ो तब मेरी शरण में आओ सर्वधर्मान प्रतिज्ञा, ये तो हमको कामनाएं छोड़ने को कह रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, तुम्हारी बुद्धि स्थिर तब मानेंगे जब तुम सारी कामनाएं छोड़ दोगे मन के अंदर से। केवल ये नहीं कि हम चीजों को भोग नहीं रहे, नहीं, मन के अंदर भी कामना न रहे तब भगवान उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो कामनाएं क्या करेंगी, इतना सारा जो जन्म कर्म में दिव्यम ये सब समझा है, समझ भी लिया, और उसके बाद क्या समझे कि हाँ भाई कृष्ण को खुश करने के लिए संकीर्तन करना चाहिए, लेकिन अगर कामनाएं की तो ये सारा ज्ञान जो कृष्ण के जन्म कर्म सब कुछ था कि संकीर्तन करना चाहिए, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय, सबका हरण कौन कर लेगा, कामनाएं कर लेंगे, गए। हम सोच रहे हैं कि नहीं अलमारी के अंदर तो रखा हुआ है खूब धन रखा हुआ है, हमने तो रखा था, अंदर ही अंदर से माया ले गई चुरा के, खोल के देखो तो अंदर कुछ नहीं है, साधु खोल के देखता है कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन हमको लगता है नहीं नहीं है मेरे पास, है कुछ नहीं है तो प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, वो ज्ञान किस काम का जो किताबें रखी हैं खाली और आचरण में नहीं है, किस काम का है ज्ञान,
वो नहीं के बराबर है। ये किताबें तो कोई भी रख सकता है अपने घर में, उससे क्या हो गया। ऐसे ही हमने ज्ञान यहाँ खोपड़ी में रखा हुआ है, लेकिन वो हमारे मन में नहीं उतरा है और हमारे आचरण में नहीं आया है, हमारी कामनाएं कम नहीं कर पाया है, तो फिर उस ज्ञान से क्या मतलब हुआ, यूजलेस हो गया वो। ठीक है, तो कामनाओं के द्वारा ज्ञान का हरण हो जाता है, ये सबसे खतरनाक बात है। मेटीरियल डिजायर जहाँ की तहाँ ज्ञान गया। और यही है ज्ञान, क्या है वास्तव में कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं, मेरा स्वरूप है, हम भगवान के दास हैं, हमें भगवान की सेवा के लिए भगवान से कहते रहना चाहिए, भगवान हमको सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। जैसे हम सर्टिफिकेट ले करके जगह जगह बायोडाटा देते रहते हैं कि हमको जॉब में लगाओ, जॉब में लगाओ, जॉब में लगाओ, ऐसे ही हम मनुष्य बने हैं। तो भगवान, हम समझ गए हैं कि हम आपके दास हैं, प्रभुपाद जी ने समझा दिया है, तो अब आप प्लीज़ मुझे सेवा में लगाओ, 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 करता रहता है भक्त दिन रात। तो कामनाओं का कारण है अज्ञान। ज्ञान गया तो बाकी बचे क्या? इंटेलिजेंट माइनस नॉलेज इज इक्वल टू फूल। अब फूल रह गए हम, नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति में से ज्ञान निकाल दो, कामनाएं की और ज्ञान गया बुद्धिमान व्यक्ति का, तो बाकी क्या बचा? मूर्ख बन गया, माया ने मूर्ख बना दिया उसको, और उसको पता भी नहीं चला और सोच रहा है मैं इंटेलिजेंट। तो कामनाओं का कारण क्या है? अज्ञान। देह में आत्मबुद्धि, जैसे ही हमने बॉडी समझा अपने आप को, तो क्या होगा, इसके सुख की कामना होने लग जाएगी। हम तो बॉडी हैं, अगर हम सोल हैं तो सोल का सुख किस में होगा? भगवान की सेवा में। भगवान से कनेक्शन जब तक नहीं है तब तक सोल को कोई आनंद नहीं है। और अगर हम बॉडी समझ रहे हैं तो फिर इस मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें तो बॉडी के लिए हैं, तो अब उनकी कामनाएं बन जाएंगी। ठीक है, और ये जो अज्ञान है उसका कारण क्या है, ये कहाँ से अज्ञान आ जाता है? इसका कारण है माया। माया त्रिगुणमयी है, पढ़ा ही होगा आपने, तीन गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण आलस्य निद्रा प्रमाद में बांध देता है, रजोगुण कर्म में बांध देता है, और सतोगुण ज्ञान की उपाधि से बांध देता है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े सुखी हैं, सुख में बंध जाता है। अर्जुन का सुख तो था कि मैं युद्ध ना करूं, लेकिन जब वो सरेंडर हुआ तो फिर उस सुख की परवाह गई। अब मुझे चाहे दुख हो, कृष्ण को ठीक लग रहा है ना कि मैं भीष्म में बाण चलाऊं, आंख से आंसू गिर रहे हैं, बाण चल रहे हैं, अपने सुख की परवाह कहाँ है, अपने सुख की चिंता गई, सुख से भी नहीं बंध रहा है, ज्ञान की उपाधि से भी नहीं बंध रहा है, आलस्य भी नहीं कर रहा है। अर्जुन को देखो ना, युद्ध कर रहा है पूरी ताकत से, ना आलस्य से बंध रहा है, यानी तमोगुण उसके ऊपर नहीं हावी है, और ना ही कर्म से बंध रहा है। वो तो शुरू से ही उसने कहा कि नहीं, हमको ये करना ही नहीं है, ये तो आप कह रहे हो तो मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे अपने पर्सनली अपने लिए तो चाहिए नहीं हमको राज्य, और ये राज्य से सुख मिलेगा ही नहीं। अपी त्रिलोक के राज्य से हेतु किमनो मही कृते, त्रिलोक का राज्य मुझे सुख नहीं दे पाएगा। आप बता रहे हो हस्तिनापुर, त्रिलोक का राज्य निष्कंटक मिल जाए मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा। तो जब अर्जुन इतना इंटेलिजेंट, भक्तों सी में सखा चेती और रहस्यम ही तद उत्तमम, उसके लिए भगवान ने उसको योग्य समझा, और उसका कहना यह है कि त्रिलोक का निष्कंटक राज्य भी सुख नहीं दे सकता, तो फिर हम कौन सा सुख ढूंढने निकले संसार में? अर्जुन की बात को मान लेना, अर्जुन कह रहा है कि त्रिलोक का निष्कंटक राज्य भी मुझे इस
सुख नहीं दे पाएगा। सुख क्या, मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर नहीं कर पाएगा। सुख तो बाद की बात है, पहले शोक तो दूर हो। शोक भी दूर नहीं हो पाएगा मेरा, भले कुछ भी मिल जाए। ये दशा है। और हम चले हैं कि कुछ सामान इकट्ठा कर लें संसार का, तो माया बंधन का कारण है। अब माया बंधन का कारण क्या है? सतरजो तमो में हम क्यों फंस गए? सतरजो तमो में क्यों फंस गए? क्योंकि कृष्ण को भूल गए। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे और निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण को भूले हो, माया ने पकड़ा। इसलिए भक्ति में केवल एक नियम है बस, क्या? ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। और एक निषेध है, नेवर फॉरगेट कृष्ण। ठीक है, कोई ऐसी दूसरी चीज है जिसमें केवल एक नियम हो? कोई ऐसी चीज नहीं है। रोड पे चलना है तो कितने नियम है, हेलमेट लगाओ, पेपर्स रखो, लेफ्ट साइड में चलो, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो, तमाम तरह के नियम हैं रोड के, जो साइंस हैं उन सबको फॉलो करो। खाना बनाना है उसके नियम है, रेसिपी होती है, अगर बिगाड़ दिया तो बेकार हो गया टेस्ट, नमक कम ज़्यादा कर दिया तो ख़त्म है ना। हर चीज़ बैलेंस में होगी तभी होगा काम। सब चीज़ में युक्त तो लगेगा ही लगेगा, युक्त मात्रा सब में चाहिए। तो भक्ति बहुत सरल है, इसमें केवल एक नियम है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयति, किसी भी प्रकार से मन कृष्ण में लगा दो बस। अनंत प्रकार से की जा सकती है भक्ति। ये भी भक्ति हो रही है, उखल से बांध के भक्ति हो रही है। ये भी एक प्रकार है। कहीं लिखा है क्या वेद में? वेद में, शास्त्र में, गीता में लिखा है कि कृष्ण को उखल से बांधना चाहिए? ये वात्सल्य रस है, सब लोग बांधो। नहीं, बांधे हुए कृष्ण की स्तुति करो कि देखो इतना पावरफुल है कि शिव ब्रह्मा आदेश पे चलते हैं, वश में रहते हैं, लेकिन प्रेम में बंध जाता है, वशीभूत हो जाता है। इतना पावरफुल पर्सनैलिटी जिसके रोम छिद्रों से, उसके अंश के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड उत्सर्जित होते हैं। ब्रह्मा जिसका बेटा है सृष्टिकर्ता, सृष्टि का संहार करने वाला उसका पोता लगता है, यानी बेटे का भी बेटा ब्रह्मा जी के पुत्र है ना शिव जी, ब्रुकुटियों के मध्य से प्रकट हुए थे। तो वो खुद प्रेम के वशीभूत हो जाता है। क्या क्वालिटी है भगवान की! ऐसे भगवान को स्मरण करना तो कितना सरल है, जिसमें क्वालिटीज हो उसको स्मरण करना तो आसान होता है। हम लोग किस किस को स्मरण करें? अपने रिश्तेदार, पता नहीं क्या क्या क्वालिटी है उसमें, कौन सा उसने ब्रह्मांड बना दिया है, कौन सा वो सृष्टि का संहार कर रहा है, या उसने भगवत गीता का प्रवचन कर दिया है, सूर्यदेव को जाके सुना के आया है, ये देख लो पर्सनैलिटी क्या चीज है। कोई मामूली बात है, छोटे मोटे छोटे मोटे लोग हैं लोग, सूर्यदेव को जाकर ज्ञान दे के आए, हल्के में ले लेते हैं हम लोग। हाँ, इमम व्यवस्थित योगम याद हो गया श्लोक। जाके देखो ना तो खुद सोचो कि हम जाए सूर्यदेव को ज्ञान दे के आए, पहले तो हम बल्कि भगवान से ज्ञान ले पाए। देना तो बाद की बात है कि सूर्यदेव को जाके देंगे। सूर्यदेव छोड़ो, अपने घर में जो हमारे छोटे भाई बहन है उनको ही ज्ञान दे, उन्हीं को भक्ति सिखा पाए तो बड़ी बात है। सूर्यदेव को तो क्या ज्ञान देंगे हम? वही लोग मान ले तो बहुत बड़े हम ईश्वर बन जाए कि हाँ चलो कम से कम दो लोग तो मेरे कंट्रोल। तो भक्ति बहुत सरल है, एक हरे कृष्ण महामंत्र छोटा बच्चा भी कर लेता है। और इसमें भगवान ने अपनी सारी शक्ति भर दी है, और जपने का कोई नियम भी नहीं रखा है।
कोई नियम नहीं, देश काल पात्र का कोई नियम नहीं। तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल हितादृशी तव कृपा, भगवान ने इतनी कृपा कर दी और हमारा दुर्भाग्य, हमारा उसमें मन नहीं लगता, ये है प्रॉब्लम हमारी। और कामनाएं पूरी करने में खूब मन लगा रहता है, उसके लिए दिन रात पसीने बहाने को तैयार है ना, कितनी मेहनत लगती है। टारगेटेड जॉब मिल जाती है बैंकों में, इधर उधर कितना टेंशन रहता है प्रभु, अब तो जानते ही होंगे। जो लोग जॉब करके देख चुके हैं उनको अंदाजा है इस बात का, कितना प्रेशर रहता है। यहाँ कोई प्रेशर है? यहाँ तो सबको प्रेशर में डालने वाला खुद प्रेशर में है। आंसू बाहर आ रहा है, देखिए रो रहा है, काजल से फैला जा रहा है आंखों पे। तो समस्याओं की जड़ है कामनाएं, और उपाय बहुत सरल है, भगवान का नाम जपना, भगवत गीता को अच्छी तरह समझना। सुनेंगे तभी तो स्मरण होगा, है ना, एक ही नियम है भगवान को स्मरण करना। अब बिना सुने क्या स्मरण करेंगे, इसलिए सुनना जरूरी है। और इसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि कम लोग हो गए, कम होते जाएंगे, उसके उससे जाना तो अकेले ही है ना सबको। अकेले आए थे, अकेले चलेंगे, कोई साथ नहीं देगा परिवार के लोग, क्या ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा जब जाएंगे तो अभी क्या हम भीड़ बढ़ाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। मन कृष्ण में लगाओ, कृष्ण कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरे मन वाले हो जाओ। ये मूल बात है शरणागति, शरणागत होंगे तो सारी समस्या हल हो जाएगी। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरि बोल, हरे रामा हरे रामा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे हरे
हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Gauranga प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद